मैं पटना उतरा तब मुझे बताया गया कि बारिश और आंधी है, मुंगेर नहीं जा पाएंगे। मगर अशोक धाम के बाबा भोले बाबा की कृपा है कि बारिश और आंधी के बावजूद आप लोगों के दर्शन मुझे प्राप्त हो रहे हैं, आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूं। माताओं भाइयों बहनों, ये बिहार हमेशा बदलाव और क्रांति की भूमि रहा है और इसी बिहार ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आवाज बुलंद की। आज ये जनसभा जो है भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय कार्यक्रम जनसंपर्क कार्यक्रम का एक हिस्सा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के शासन के 9 साल समाप्त हो गए, देश की जनता का धन्यवाद करने के लिए देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर लोकसभा में गए हैं और इसी के तहत मैं आज मुंगेर वालों को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर धन्यवाद करने आया हूं, क्योंकि ये बिहार की ही जनता है जिसने 2014 में मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 53% वोट के साथ 39 सीटें दी। अब समय आ गया है कि 1-2 सीटों का जो कमी रह जाता है उसको भी पूरा करना है। 14 में आपने जिताया, 19 में आपने जिताया, अब 24 में सभी की सभी सीटें कमल के निशान को देने का काम करिए, एनडीए को देने का काम करिए। माताओं भाइयों बहनों, आपके आशीर्वाद से मोदी जी 9 साल तक देश के प्रधानमंत्री बने और इस 9 साल में ढेर सारे काम मोदी जी ने देश के लिए किए हैं। अभी ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी पूछ रहे थे कि 9 साल में क्या किया। अरे नीतीश बाबू, जिनके साथ इतना बैठे हो, जिनके कारण मुख्यमंत्री बने, जरा तो लिहाज रखो, 9 साल में देश भर में ढेर सारे काम मोदी जी ने किए हैं। मित्रों, मोदी जी के 9 साल गरीब कल्याण के 9 साल हैं, मोदी जी के 9 साल भारत गौरव के 9 साल हैं, मोदी जी के 9 साल भारत उत्कर्ष के 9 साल है और मोदी जी के 9 साल का शासन भारत की सुरक्षा के 9 साल का शासन है। नीतीश बाबू, आज अगर सुनना चाहते हो तो मैं पूरा हिसाब देने आया हूं। मित्रों, मोदी जी ने ये 9 साल में इस देश के 70 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आजादी से अब तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने देश के किसानों के बैंक अकाउंट में 6,000 रुपया हर साल डालने का काम नहीं किया। किसान सम्मान निधि के तहत देश के करोड़ों किसान और मेरे बिहार के 86 लाख किसानों को 18,000 करोड़ रुपया सीधा बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। जल जीवन मिशन के तहत गरीब के घर में नल से जल पहुंचाना, देश भर के 35 करोड़ गरीब जनता के घर में आजादी के 70 साल के बाद देश के किसी प्रधानमंत्री ने जल पहुंचाने का संकल्प लिया। बिहार के 1,60,00,000 लोगों के घर में, 1,60,00,000 घरों में
कनेक्शन देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। करोड़ों गरीबों को 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा, 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। अपने बिहार में बैठ जाओ। अपने बिहार में 75 लाख लाभार्थियों को, अपने बिहार में 75 लाख लाभार्थियों को 5 लाख तक का सारा खर्चा, स्वास्थ्य का कोई भी सवाल हो नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। अकेले बिहार में 1.25 करोड़ माताओं को, 1.30 करोड़ माताओं को घर में शौचालय बनाकर दिया, 1.80 करोड़ लोगों को 2.5 साल से मुफ्त में अनाज भेजने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। और 37 लाख लोगों को घर बनाकर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नीतीश बाबू, हमारा हिसाब पूछ रहे हो? मैंने तो कहा बिहार के गरीबों के लिए हमने क्या किया। आपने कहा था कि खाते तो खोले, बोनी करा दो। बोनी नहीं, गरीब के घर में ढेर सारा काम भेजने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये 9 साल भारत के गौरव के 9 साल रहे हैं। मोदी जी के शासन में विश्व भर में मोदी जी जहां जहां जाते हैं, अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, फ्रांस जाए, इजिप्ट जाए, जहां जहां जाते हैं मोदी 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 के नारे लगते हैं। और मित्रों, अभी अभी अमेरिका गए थे, इसके पहले G7 की बैठक में गए, कोई राष्ट्राध्यक्ष इनका अपॉइंटमेंट मांग रहा है, कोई उनका हस्ताक्षर मांग रहा है और कोई कोई पैर छूकर उनका आशीर्वाद मांग रहा है। मित्रों, ये मोदी जी का जो सम्मान पूरी दुनिया में हो रहा है वो मोदी जी का सम्मान नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं है। मोदी जी का जो सम्मान हो रहा है ये मुंगेर वालों, आपका, बिहार की जनता का और 130 करोड़ भारतीयों का सम्मान है जो नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है। मोदी जी ने दुनिया में भारत को गौरव दिलाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 वर्ष के अंदर भारत को सुरक्षित करने का काम किया है। मुझे बताओ मुंगेर वालों, पहले जब कभी पाक प्रेरित आतंकवादियों के हमले होते थे, ये सोनिया मनमोहन की सरकार कोई जवाब नहीं देती थी, मौनी बाबा चुप होकर दिल्ली बैठ जाते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उरी और पुलवामा में हमला किया, पाकिस्तान वालों को लगा इस बार भी कुछ नहीं होगा। वो भूल गए कि कांग्रेस की सरकार नहीं है, यूपीए सरकार नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया बुलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुझे बताओ मुंगेर वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए या नहीं हटनी चाहिए? ये कांग्रेस, जदयू,
आरजेडी, ममता, डीएमके, सभी लोग 70-70 साल से धारा 370 को बच्चे की तरह गोदी में खिलाते थे। बिहार वालों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। और ये कश्मीर हमेशा के लिए भारत माता का मुकुट मणि बन गया। ये सारे लोग संसद में इकट्ठा होकर काऊ 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 करते थे पूरी जमात, और कहते थे धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर चलाने की नरेंद्र मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर देश को सुरक्षित करने का काम किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर देश को विकसित करने का काम किया है। और मैं आज मुंगेर में आया हूं, तब आज मुंगेर लोकसभा में आया हूं, तब मैं इतना कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने समग्र देश को ढेर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिए और बिहार को भी ढेर सारे काम दिए हैं। मुंगेर से बेगूसराय तक रेल सड़क को डबल करने का काम और पुल के निर्माण का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। लखीसराय वालों, जरा जोर से ताली बजाना। मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मुंगेर में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इसके साथ साथ रोडवेज के लिए 3 लाख करोड़ के 13 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं। 45,000 करोड़ रुपया भारतमाला के तहत दिया। 28,500 करोड़ रुपया बिहार और झारखंड के एक्सप्रेस वे के लिए दिया। 6,800 करोड़ की लागत से गंगा पर पुल और सड़क उन्नयन को मंजूरी दी। 3,400 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग की परियोजनाएं लागू की। लगभग 230 करोड़ लंबा असम दरभंगा एक्सप्रेसवे भी चलाया। मधुबनी प्रधानमंत्री सड़क योजना 175 करोड़ की बनी। रेलवेज में 13,400 करोड़ रुपए से पटना में मेट्रो का काम शुरू किया। सुपौल अररिया 96 किलोमीटर 1600 करोड़ और 1226 करोड़ रेलवे ट्रैक का 85 नए ओवरब्रिजों के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन विद्युतीकरण करने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। दरभंगा में उड़ान योजना से दरभंगा को जोड़ा और शिवहर जनपद में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय डिग्री कॉलेज, झंझारपुर में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज, वीर कुंवर सिंह महाविद्यालय, बक्सर में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, कोसी नदी पर 130 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना नरेंद्र मोदी जी ने दी है। 1360 मेगावाट की क्षमता वाला एनटीपीसी का बक्सर के चौसा में एक पावर प्लांट बनाने का काम चालू हुआ है और मधेपुरा में मछली चारा मिल भी स्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मैं आज यहां नीतीश बाबू को पूछना चाहता हूं, नीतीश बाबू,
आपने क्या किया इसका हिसाब दीजिए। बिहार वालों, मुझे एक बात कहनी है, जो आदमी जो नेता हर बार घर बदले इस पर विश्वास कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? ऐसे व्यक्ति के हाथ में बिहार सौंपना चाहिए क्या? मित्रों, उनको भी मालूम है, इसीलिए आज कांग्रेस के घर पर जाकर चौखट पर बैठे हैं फिर से देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए। उनको प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री कुछ नहीं बनना है, खामखा लालू जी को इस आयु में वो मूर्ख बना रहे हैं। नीतीश बाबू यहीं रहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री रहना चाहते हैं, और इसी बहाने सारे भाजपा विरोधियों को इकट्ठा किया। अभी एक बहुत बड़ा फोटो मैंने देखा, और बहुत बड़ा फोटो देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा 20 पार्टियां आई हैं, 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा हो गई। वो बात तो सही है, 20 से ज्यादा पार्टियां इकट्ठा कर ली नीतीश बाबू, मगर ये 20 पार्टियां है कौन? ये 20 पार्टियां वो हैं जिन्होंने 2004 से 14 में 20 लाख करोड़ रुपए का घपला घोटाला और भ्रष्टाचार किया है। अरे बिहार की भूमि, ये बिहार की भूमि जयप्रकाश की भूमि है, जहां से भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। नीतीश बाबू, आपको शर्म आनी चाहिए, 20 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल के साथ बैठकर आप सत्ता हथियाने का प्रयास कर रहे हो। मुझे बताओ लखीसराय वालों, मुंगेर वालों, मुझे बताओ, जो आदमी सत्ता के लिए सारे सिद्धांतों को छोड़ दे इसका भरोसा कर सकते हैं क्या? जोर से बोलिए, कर सकते हैं क्या? अरे नीतीश बाबू, आपकी तो राजनीतिक पैदाइश ही भ्रष्टाचार का और लालू का विरोध कर शुरू हुई। आपके राजनीति की शुरुआत इंदिरा गांधी के भ्रष्टाचार की खिलाफत से हुई, और आप मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले का विरोध कर बन गए। अब मैं पूछना चाहता हूं, किस मुंह से आप कांग्रेस पार्टी और लालू प्रसाद यादव के साथ बैठकर मुंगेर और लखीसराय की जनता के सामने आएंगे? आपको जवाब देना है। और मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी भी अजीब प्रकार की पार्टी, राजनीति में कोई भी नेता को पहली बार लॉन्च किया जाता है। हम तो ऐसी पार्टी से आते हैं जहां नेता का लॉन्चिंग नहीं होता, जनता ही नेता को लॉन्च कर देती है, मगर कांग्रेस हर साल 20 साल से, कितने साल से जरा जोर से बोलो, 20 साल से, कितने साल से? 20 साल से राहुल बाबा का लॉन्चिंग कर रही है, मगर ये लॉन्च ही नहीं होते। इस बार भी कांग्रेस ने पटना में राहुल बाबा का लॉन्चिंग का एक विफल प्रयास किया है। मैं आप सभी को, जो लोग वहां बैठे थे, उनको बताना चाहता हूं, बिहार की जनता कभी भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं रह सकती। मित्रों, मुझे बताओ, देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की ओर से 24 में हमारा नेतृत्व करने वाले हैं। मुझे बताओ, बिहार में सभी की सभी सीटें नरेंद्र मोदी जी को दोगे क्या? जरा जोर से बोलो, दोगे क्या? बिहार को ये जंगल राज से फिर से मुक्त कराओगे क्या? ये भ्रष्टाचार करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दोगे क्या? मित्रों, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, जो लोग सत्ता के लिए लालू और कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, उन्हीं के कारण गुंडा राज, बालू माफिया,
शराब माफिया और हथियारों के जखीरे बिहार के अंदर आए। बिहार की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति दिन प्रतिदिन चरमराती जा रही है। और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए फिर से एक बार एकजुट होकर जनता के सामने आ रहा है। 2024 में बिहार की जनता को तय करना है कि 20 बार फेल लॉन्चिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए। मुझे बताओ, 20 बार फेल लॉन्चिंग करने वाले राहुल बाबा चाहिए या नरेंद्र मोदी जी चाहिए? जोर से बोलो, कौन प्रधानमंत्री बनेगा? माताओं, भाइयों, बहनों, आज इतने खराब मौसम ने आप सभी लोग यहां आए हैं। मुझे तो आशा भी नहीं थी मैं आपके दर्शन कर पाऊंगा, मगर ईश्वर की कृपा हो गई और आज यहां से जाकर मैं भी अशोक धाम के दर्शन करूंगा। मगर आज लखीसराय में लखीसराय और मुंगेर वालों को एक संकल्प लेना है कि जिन्होंने दल बदल करा है, विश्वासघात किया है और भ्रष्टाचारियों के साथ बैठे हैं, उनको दंड देने का काम सबसे पहले मुंगेर लोकसभा ने करना है, लखीसराय वाला ने करना है। करोगे क्या? जोर से बोलो, करोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 24 और 25 में भाजपा एनडीए की सरकार बनाओगे? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, सभी सीट जीतने के संकल्प की मुट्ठी भींचे और जोर से बोलिए, भारत माता की।